Students, welcome to our Prajapati classes, and today we start a new session. But old chapters, okay? Chapter. कौन सा हमारा चल रहा है? Crop production and management. Chapter number one है हमारा NCERT का. वही पुराना वाली बात, लेकिन नए topic के साथ. Yeah, ऐसा बन गया है. क्या है? नया topic. हमने last time दिया पढ़ा था, Guiding manure and fertilizer बहुत important था वो. और उसका जो डिफरेंस था वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट था. मैंने आपको बताया था वो एग्जाम में जरूर आता है यार, जरूर आता है. तो फोकस ऑन इट, उस पे फोकस कर लेना प्लीज. अब नेक्स्ट क्या है हमारा? इरिगेशन. फोर्थ प्रैक्टिस ऑफ पंपिंग. फोर्थ है वो क्या है? इरिगेशन. तो इरिगेशन क्या है? सिंपल यार, मैंने बताया था इरिगेशन क्या है. वाटर सप्लाई यार, वाटर सप्लाई. जो हम पानी देते हैं, पहला हमने जमीन तैयार की, फिर बीज बोए, बो दिए, फिर क्या है कि हमने थर्ड में उस पे उसे खाना दिया एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर के थ्रू, वो भी हो गया. अब पानी तो देना पड़ेगा, खाना दे दिया, पानी भी तो देंगे, तो बस वही पानी देंगे, उससे इरिगेशन बोलते हैं. तो ये डेफिनेशन है यहाँ पर. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स इज कॉल्ड इरिगेशन. खत्म. वाटर का सप्लाई करेंगे उसे हम इरिगेशन बोलेंगे. डेफिनेशन लिखो ये अच्छे से. ओके, फिर इस इरिगेशन की दो मेथड होती है. दो मेथड हमें एनसीईआरटी में दी गई है. फर्स्ट वाली है हमारी मॉडर्न मेथड, सेकंड है हमारी ट्रेडिशनल मेथड. बट एनसीईआरटी में फर्स्ट ट्रेडिशनल मेथड दी है, बाद में मॉडर्न मेथड दी है. लेकिन मैंने मॉडर्न मेथड ऊपर लिखी है फर्स्ट. क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है यार, ये नहीं पूछते हैं, नहीं पूछते. फिर भी लिखने देख लेते क्या है. तो पहले देख लेते हैं ट्रेडिशनल मेथड. तो ट्रेडिशनल मेथड किसे बोलते हैं? जो पुराने जमाने में हम यूज किया करते थे, हम नहीं फार्मर्स, पुराने जमाने में जो फार्मर्स यूज किया करते थे उसे ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं. वो क्या होती थी? चीपेस्ट होती थी, मतलब बहुत सस्ती होती थी, लेकिन एफिशिएंट बहुत कम होती थी यार. वो एफिशिएंट नहीं होती थी. एफिशिएंट नहीं होना मतलब क्या बोलते हैं, अच्छे से वर्क नहीं करती थी, अच्छा मुनाफा नहीं देती थी. जैसे कोई बिजनेस कर रहा है लेकिन वो एफिशिएंट नहीं है, मीन्स वो मुनाफा नहीं कर रहा है यार. ऐसे ही चल बिजनेस चल रहा है बहुत मुनाफा नहीं कर रहा है बहुत ज्यादा, तो मतलब लेस एफिशिएंट बोलते हैं. वो एग्जांपल था बिजनेस वाला. ओके, तो ये था ट्रेडिशनल मेथड. कौन सी हमारी? मोट, चेन पंप, ठेकली एंड राहत. फोर्थ है हमारी राहत. ये सारी मेथड ट्रेडिशनल मेथड. इसमें क्या करते थे फार्मर्स हमारे पुराने? जैसे मोट की बात करता हूँ मैं आपको, वहां से बैल, रिवर, ये सब लेक, ये सारे सोर्सेज है इरिगेशन के लिए. ओके, आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, तो क्या लिख सकते हैं आप? लेक लिख सकते हैं, रिवर, वेल, ये पॉन्ड्स, ये सारे इसके सोर्सेज है. तो वहां से फार्मर, सपोज वेल ले लिया हमने, तो वेल से फार्मर पानी निकालते थे और वहां से एक लंबे स्ट्रिप की तरह एक खड्डा, क्या बोलते थे, लंबे स्ट्रिप्स की तरह वो खोद खड्डा पाड़ देते थे, मतलब क्या बोल सकते, खोद कर उसे एक टनल की तरह बना देते थे, मिट्टी की टनल की तरह बना देते थे और उसमें पानी डाल देते थे. तो वो पानी बहता 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 हुआ क्रॉप्स की तरफ चला जाता था और उन्हें मिल जाता था. लेकिन इस मेथड में पानी का वेस्ट बहुत होता था यार. जैसे हमारे जो क्या बोलते हैं, राजस्थान है, एमपी के कुछ जिले है, वहां पर पानी की बहुत शॉर्टेज है यार. हमारा सौराष्ट्र है यार, बहुत शॉर्टेज है पानी की. तो वहां ये वाली मेथड से बहुत पानी वेस्ट होता था, तो लेस एफिशिएंट मेथड बोल सकते हैं. चेन पंप, ठेकी, राहत, इसमें क्या होता था? हम यूज करते थे पंप का, थोड़ी सी मॉडर्न हुई थी, मतलब पंप, चेन पंप वगैरह जो पंप होता था वो वहां पानी लिफ्ट अप करता था. पंप का फंक्शन ही है कि नीचे से पानी ऊपर तक लिफ्ट करना, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर. ये पंप को आप अच्छे से पढ़ेंगे बाद में, ये तो सिंपल एक बात थी. तो क्या होता था कि चेन पंप और ठेकी और राहत में इस पंप का यूज करते थे. क्या यूज करते थे हम? सिंपल पंप का यूज किया करते थे. और वो पंप के थ्रू हम वही मोट की तरह पानी पहुंचाया करते थे. बस यही है यार ट्रेडिशनल मेथड में, और कुछ नहीं है. पूछते भी नहीं है जनरली, नाम पता होना चाहिए हमें. मैंने बता दिया कैसे वर्क करती है. अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक. लेट्स मूव ऑन द मॉडर्न मेथड. ओके, तो मॉडर्न मेथड में क्या होगा? दो मेथड है. कौन सी? एक स्प्रिंकल सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम. पहले स्प्रिंकल सिस्टम की बात करते हैं. मैंने बात ब्रैकेट में लिखा है जस्ट लाइक रेन.
ये रिंग की तरह होती है, मतलब रिंग आप पता चल गया होगा, मैंने जस्ट लाइक रेन लिखा मतलब आपको 110% पता तो चल गया कैसे होगी। फार्मर्स क्या करते थे यहाँ पर, जैसे क्रॉप को ग्रो करने के लिए वहां पर उसके बीच सोइंग किया हुआ, ठीक है, सोइंग किया हुआ है और पानी देना है, तो वो क्या करते थे, एक फाउंटेन का यूज करते थे स्मॉल, और वहां से उन्हें पानी देते थे यूज ऑफ फाउंटेन, कैसे कुछ डिस्टेंस पर फाउंटेन लगा देते थे और नीचे से पानी स्प्रेड करते थे, तो उन्हें बूंद की तरह पानी मिलता था, जैसे रेन कैसे होता है ऐसे ही उसी तरह से क्रॉप को पानी मिलता था। तो ये मेथड से क्या फायदा हुआ था, तो बेनिफिट ये हुआ था कि ये मेथड से पानी का वेस्टेज बहुत कम हुआ था यार, और एफिशिएंट भी बहुत थी रेन। पता है जब फार्मर्स वेट करते हैं रेन का, क्यों, क्योंकि वो हर जगह से पानी क्रॉप की तरह मिलता है उन्हें रेन की तरह, और हर जगह पानी क्रॉप को सही जगह से पहुंचता है और वेस्ट भी नहीं होता। तो बस यही मेथड है स्प्रिंकल सिस्टम, जस्ट लाइक रेन भी बोल सकते। इसके अच्छी वाली फिगर आपको एनसीईआरटी बुक्स में दी गई है, आप देख लें, बहुत अच्छी सिंपल मेथड है। दूसरी मेथड है हमारी ड्रिप सिस्टम, ड्रॉप बाय ड्रॉप। एग्जांपल से चलते हैं तो आपके रिलेशन या कहीं हॉस्पिटलाइज होंगे तो आपको पता है उन्हें ग्लूकोज चढ़ता है, वो ग्लूकोज जब चढ़ता है मतलब बॉटल चढ़ाते हैं ना यार बॉटल, जब उनमें एनर्जी नहीं रहती है, उनका पानी हाइड्रेशन हो जाता है, पानी कम हो जाता है, तो उन्हें बॉटल चढ़ाते हैं, आपने देखा होगा, तो वो बॉटल में क्या करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप ग्लूकोज चढ़ता है, ग्लूकोज की बॉटल होती है सिंपल, क्योंकि ग्लूकोज कम हो जाता है, पानी कम हो जाता है, उससे एनर्जी फिट हो जाए मिल जाती है, तो उसे क्या होता है हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप ग्लूकोज मिल गया, बस वही ड्रिप सिस्टम में ऐसा ही होता है। जैसे मैं आपको फिगर ड्रॉ करके बताता हूँ, कहाँ ड्रॉ करूँ कहाँ ड्रॉ करूँ, यहाँ कर दो, यहाँ जैसे ये मैंने पाइपलाइन लगाई हुई है, और क्या करते हैं फार्मर्स यहाँ पर, और यहाँ पर जमीन के ऊपर पाइप है, और यहाँ पर सारे हमारे क्रॉप्स लगाए हुए, फसल इन शॉर्ट क्रॉप्स फसल लगाई हुई है, ठीक है, ऐसी फसल लगा देते हैं, ये फसल लगाई हुई है, अब क्या करते हैं फार्मर्स यहाँ से पानी भेजते हैं, पानी डालते हैं, थ्रो करते हैं, जैसे उन्होंने पानी थ्रो किया और पाइप पर यहाँ पर छोटे छोटे छेद रख देते हैं, यहाँ पर फसल के पास छोटे छोटे छेद कर देते हैं, तो इससे क्या होता है जब भी पानी यहाँ से जाएगा उस छेद की वजह से, जो स्मॉल स्मॉल वॉइड है उसकी वजह से उन्हें बूंद बूंद पानी मिलेगा, तो उन्हें रेगुलर पानी भी मिलता रहेगा और उनका वेस्टेज पानी का वेस्टेज भी नहीं होगा। तो इस मेथड का नाम ड्रिप सिस्टम क्यों पड़ा, क्योंकि ड्रॉप बाय ड्रॉप से पानी मिलता है, जैसे ग्लूकोज चढ़ता है हमें या किसी को ड्रॉप बाय ड्रॉप, वैसे ही पानी भी ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलता है, तो इसलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं ड्रिप सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलता है। चलो तो ये भी हो गए हमारे ड्रिप सिस्टम, नीचे कुछ भी लिखा है, दिस मेथड्स आर इकोनॉमिकल मेथड्स एंड आर वाटर सेविंग, बोला मैंने पानी बहुत बचता है यार इस मेथड से, इसलिए से वाटर सेविंग मेथड बोलेंगे और इकोनॉमिकल भी मेथड्स इकोनॉमिकल मेथड्स भी बोलेंगे। तो जो ट्रेडिशनल मेथड थी हमारे उसे पानी का वेस्ट बहुत होता था, लेस एफिशिएंट थी, मॉडर्न मेथड को मोर एफिशिएंट है और पानी का वेस्ट भी बहुत कम है, तो बहुत सारे फार्मर्स थे, सारे फार्मर्स यही मेथड यूज करते हैं, और ये वाले तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मैंने बताया कैसे यूज होती है। ओके तो ये था हमारा छोटा सा अच्छा सा टॉपिक था इरिगेशन, पूछ सकते हैं एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्या था हमारा प्रैक्टिसेस में, प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स, उसे पानी भी दे दिया, अब उसे आसपास के जो क्या बोलते हो क्रॉप के साथ जो पार्ट उसके लिए क्या बोलते हैं, हमने अच्छा वर्ड था यार फकेट यार मैं भूल चुका वर्ड क्या बोलते हैं, सिंपल बोल सकते हैं कि जो उसकी चीज में पार्ट पड़ते हैं भाग बजाते हैं उसका भाग ले लेते हैं, जैसे मैं और मेरा फ्रेंड्स खाना खाने गए, ठीक है, तो मैं खाना ऑर्डर किया लेकिन उससे नहीं किया, लेकिन उसने मेरे खाने में से अपना खाना ले लिया है, तो वो हो गया मेरा लॉस और उससे हो गया बेनिफिट, तो बस यही है सिंपल प्रोटेक्शन ऑफ वीट। जो हमारा क्रॉप्स होता है फसल होती है उसके आजू बाजू ऐसे वीट्स ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, और वहां से और ये मेरे जो क्रॉप्स मैंने जो ओरिजिनल फसल लगाई हुई है वो फसल को जो मैं मैन्यूअर देता हूँ फर्टिलाइजर देता हूँ इरीगेशन से पानी देता हूँ वो वहां से थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, तो मेरे क्रॉप्स जो क्रॉप्स लगाए उससे तो लॉस जाएगा और वो वाला फायदा उठा लेगा और वो ग्रो कर जाएगा।
बस वही है, तो हमें वो जो ग्रो कर रहा है, जो पार्ट पड़ा रहा है, फायदा उठा रहा है, उसे हटाना है, बस वही है प्रोडक्शन फ्रॉम बीट। मुझे मेरे फ्रेंड्स को खाना खाने से रुकना है, उससे बोलूंगा तो अपना खाना ऑर्डर दे दे, ये मत खा, खाना ही मत खा, खत्म, तो मैं अपना खाना खा सकूंगा, मुझे लॉस नहीं होगा, बस वही क्या है। तो देखते हैं, द अनवांटेड प्लांट्स इन द फील्ड आर कॉल्ड वीड्स, ओके, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उसे वीड्स बोलते हैं। अब ये वीड्स आते कहां से, कहां से आए, कैसे आ गए वहां पर, रह तो नहीं डाले, तो उस वो भी कहां से आते हैं, एयर से आते हैं, जैसे छोटे छोटे बीज होते हैं जो वहां से कहीं कहीं जगह में छोटे छोटे बीज होते हैं, वो फ्लो जब विंड करती है, एयर जब जोर से फ्लो करती है, तब उसके साथ उड़ के आ जाते हैं और वहां कहीं लग जाते हैं, और फिर उनका खाना पानी मिलता है तो वो ग्रो कर जाते हैं। दूसरा लिख सकते हैं कि एनिमल्स, हमारे जो एनिमल्स के फीट जो ये होते हैं फीट्स, वहां उनके थ्रू आ जाते हैं। थर्ड बोल सकते हैं बर्ड्स के थ्रू आ जाते हैं, बर्ड्स के फीट में लग जाते हैं या फिर विंग्स में वो उड़ते हुए जाते हैं, तो फीट्स जो सीड्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और उन्हें पानी और खाना मिलता है तो ग्रो कर जाते हैं। तो आगे की लाइन शायद वही होगी, these seeds of this wheat spread through air, animals, birds, etc. from our main crop. Okay, बस वही था जो air, animals और birds की वजह से आते हैं। Weeds are weeded out by plucking. Okay, ये वाली लाइन क्या है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि फिर वीट्स को हम जनरली ऐसे हाथ से उखाड़ लेते हैं, हमारे जो क्रॉप्स है फसल है उसके आसपास वीट्स हो जाते हैं, उसे हाथ से प्लक कर लेते हैं। ओके, तो ये वाली पुरानी मेथड है और इसमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क हो जाता है, उन्हें निकालना पड़ता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आगे क्या है, नाउडेज आज के जमाने, वो पुराने जमाने में यूज किया करते थे, तब तो मॉडर्न हो चुके, अब तो कुछ नया लाना पड़ेगा। नाउडेज केमिकल्स आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड्स कॉल्ड वीडिसाइड्स, ठीक है, केमिकल आ गए यार, सब जगह केमिकल आ चुका है, तो केमिकल क्या होता है, वो वीड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो उसे बोलते हैं वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स, साइड्स का मतलब क्या होता है, मारना, सुसाइड सुना होगा आपने, पेस्टिसाइड, सुसाइड का मतलब भी मर जाना, पेस्टिसाइड मतलब जो चूहे वगैरह होते हैं, कीट छोटे छोटे क्या बोलते हैं कीड़े टाइप होते हैं, उसे मारने के लिए पेस्टिसाइड यूज करते हैं, उसमें साइड आते हैं मारना, तो वीडिसाइड मतलब वीड को खत्म कर देना है, तो केमिकल यूज होते हैं आज के जमाने में, पहले क्या करते थे ऐसे हाथ से प्लक कर लेते थे और बहुत टाइम वेस्ट होता था और हार्ड वर्क भी बहुत हो जाता था, लेकिन इस बार केमिकल का यूज हो रहा है, आजकल सब जगह केमिकल यूज हो रहा है, और ये केमिकल है सच में, ये वाला केमिकल नोमेनक्लेचर है इसका 2,4-D, ये वाला केमिकल यूज होता है, ये नोमेनक्लेचर है, नेम है इसका। तो ये था हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो कल वाला सेशन था बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब लेट्स मूव ऑन द सिक्स नंबर, व्हाट्स आवर सिक्स नंबर, तो देख लेंगे सिक्स नंबर क्या है, I think तो स्टोरेज होगा, है ना, स्टोरेज ही है ना, तो स्टोरेज पे बात करेंगे यार, ओके okay?